हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल डिस्कस योर नेक्स्ट चैप्टर द गोल्डन डैफोडिल व्हिच इज टेकन फ्रॉम योर बुक कम्युनिकेटिव इंग्लिश. हमारे पास अलग अलग नोटबुक्स हैं. ब्राविया में आपके लिए अलग है और ये कम्युनिकेटिव में इसमें अलग है. इसका ब्राविया का हमारा एक चैप्टर हो चुका है और अब हम करने वाले हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द गोल्डन डैफोडिल्स. गोल्डन डैफोडिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. गोल्डन डैफोडिल जो है वो विलियम वर्ड्स जो है उनकी लिखी हुई ये पोइम है. तो इसके बारे में हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आफ्टर दैट वी विल टेकन इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग एंड मैच वर्ड एक्सेट्रा. क्लियर? तो डैफोडिल के बारे में हम, डैफोडिल क्या होते हैं, ये फूल होते हैं, फ्लावर्स, और इनका जो कलर गोल्डन नहीं होता है, इनका कलर येलो कलर का होता है. बट गोल्डन यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि पोइट ने इसको ब्यूटीफाई करने के लिए, इसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसको गोल्डन यहाँ पर लिखा गया है. वैसे जो डैफोडिल के जो फ्लावर होते हैं वो येलो कलर के होते हैं. तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं. पहला हमारा स्टेंजा, पहले स्टेंजे में क्या लिखा हुआ है जल्दी से हम पढ़ेंगे इसको. पहले स्टैंजे में देखिए, पहले स्टैंजे में लिखा हुआ है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. यहाँ पर क्या है, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. तो यहाँ पर आई किसके लिए कहा गया है, ये पोइट बोल रहा है अपने आप को कि क्या बोल रहा है कि आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड. मैं एक दिन क्या कर रहा था, मैं एक दिन ऐसे घूम रहा था, अकेला घूम रहा था जैसे क्लाउड, जैसे जो बादल होते हैं वो आकाश में घूम रहे होते हैं. ठीक है, क्लाउड का मीनिंग क्या आएगा यहाँ पर, जो बादल होते हैं. द फ्लोट्स ऑन हायो वेल्स एंड हिल्स. तो यहाँ पर क्या होता है, कैसे घूम रहे थे वो, जैसे बादल जो होते हैं वो अलग अलग जगह पर घूमते हैं और आकाश में तैरते रहते हैं. कहाँ कहाँ जाते हैं वो, हिल्स में जाते हैं, वैली में जाते हैं, इस तरह से वो अलग अलग जगह पर वो घूम रहा था. कौन घूम रहा था, जो पोइट. तो फिर क्या होता है, वेन ऑल एट वंस आई सा क्राउड. यहाँ पर ये जो रेड कलर के वर्ड लिखे हुए हैं इनके मीनिंग आपकी सभी की बुक में भी दिए हुए हैं, आप बुक में से भी इसको पढ़ सकते हो. ठीक है, वेल्स का मीनिंग क्या होता है यहाँ पर, वैली जो घाटियाँ होती हैं उसको वेल्स कहा गया है. थर्ड लाइन देखिए, व्हेन ऑल एट वंस आई सा क्राउड. तो अचानक क्या होता है, अचानक जो पॉइंट होता है उसकी एक नज़र कहाँ जाती है, उसको क्या दिखाई देता है, बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है. भीड़ किसके लिए कहा गया, क्राउड यानी भीड़. तो किसके लिए कहा गया है ये क्राउड, डैफोडिल्स का, डैफोडिल्स के लिए कहा गया है. ठीक है, कोई गार्डन होगा, कोई बगीचा होगा, वहाँ पर उसको बहुत सारे जो डैफोडिल्स के वो फ्लावर दिखाई देते हैं. ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल, यहाँ पर होस्ट का मीनिंग क्या आएगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स. ठीक है, तो क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में गोल्डन कलर के वहाँ पर डैफोडिल उसको दिखाई देते हैं. बिसाइड द लेक बिनेथ द ट्री, तो वो डैफोडिल के जो फ्लावर है वो कहाँ पर हैं, ये जो लेक है, ठीक है, लेक के किनारे, लेक के बिसाइड, लेक के किनारे बिनेथ द ट्री, और वहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और इन उन पेड़ों के नीचे ये जो फ्लावर्स हैं ये लगे हुए हैं. तो वो फ्लावर क्या कर रहे हैं, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, यहाँ पर ब्रीज क्या आएगा, हवा. हवा चलने से वो क्या कर रहे हैं, आपस में ऐसे डांस कर रहे हैं, इस तरह से उसको वो दिखाई दे रहे हैं, फ्लटरिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, जैसे बहुत ही खुशी के साथ वो डांस कर रहे हैं फ्लावर्स. ठीक है, तो नेक्स्ट, इस स्टेंजा में बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस भी यूज़ किए गए हैं, उनके बारे में भी हम देखेंगे. यहाँ पर फर्स्ट स्टेंजे से हम पहले इसकी राइम स्कीम देखते हैं. राइम स्कीम क्या होती है, कि राइम स्कीम का हम अलग से एक लेसन लेंगे, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. फॉर एग्जांपल, राइम कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, जैसे ये जो फर्स्ट स्टेंजा है इसमें क्लाउड लिखा हुआ है, उसके बाद थर्ड लाइन में क्राउड लिखा हुआ है. तो ये जो क्लाउड और क्राउड, ये डी की आवाज़ दे रही है लास्ट में, तो इनको हम ए मार्क करेंगे. क्लाउड को भी ए लगा देंगे, ठीक है, क्लाउड क्लाउड को भी ए लगा देंगे और क्राउड को भी ए लगा देंगे, क्योंकि इनकी आवाज़ दोनों की सेम आ रही है. ठीक है, उसके बाद हिल्स और डैफोडिल्स, लास्ट में हिल्स की आवाज़ आ रही है, हिल्स में भी और डैफोडिल्स में भी, तो यहाँ पर हम इसको बी लगा देंगे. हिल्स को भी बी मार्क कर देंगे, डैफोडिल को भी बी मार्क कर देंगे. उसके बाद ट्रीज़ एंड ब्रीज़, ठीक है, इनकी, इन दोनों वर्ड में ईज़ की आवाज़ दोनों में सेम आ रही है, तो ट्रीज़ को सी और ब्रीज़ को भी सी मार्क कर देंगे. ठीक है, तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम क्या बनेगी, क्लाउड आ जाएगा ए,
हिल्स आ जाएगा बी, क्लाउड आ जाएगा ए, हिल्स आ जाएगा बी, फिर क्लाउड आ जाएगा ए, फिर डैफोडिल्स आ जाएगा बी, ट्रीज आ जाएगा सी और ब्रीज भी आ जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह से इसकी राइम स्कीम बनेगी ए बी ए बी सी सी। तो इस तरह से राइम स्कीम हम इसकी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसमें और कौन सी बात देखने वाली होती है, इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, पहले हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आगे आगे देखिए, जो हमारा सेकंड स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा में क्या लिखा गया है, कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन। ठीक है, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, तो वो फ्लावर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, जैसे आकाश में जो है जो तारे होते हैं वो ऐसे टिमटिमा रहे होते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे यहाँ पर किसको कहा गया है, जो हमारे तारों की जो आकाशगंगा होती है। आकाशगंगा क्या होती है, हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे तारे होते हैं, वो इकट्ठे होते हैं, उनको हम मिल्की वे बोल देते हैं। ठीक है, एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे जो हमारी आकाशगंगा है, आकाशगंगा में बहुत सारे तारे जो है वो चमक रहे हैं, उस तरह से वो जो फ्लावर है वो चमक रहे हैं। दिस स्ट्रेच्ड इन अ नेवर एंडिंग लाइन, और इतनी दूरी तक वो फैले हुए हैं फ्लावर्स कि उनका कोई एंड दिखाई नहीं दे रहा। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, यहाँ पर बे का मीनिंग क्या आएगा सेकंड स्टेंजा में, यहाँ पर बे का मीनिंग आएगा लार्ज लेक। ठीक है, बहुत बड़ी नदी या कोई तालाब, ठीक है, इस तरह से अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, और नदी के किनारे किनारे ये सारे के सारे लगे हुए हैं फ्लावर्स। 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस, 10,000 सा आई एट ए ग्लेंस, तो जब वो देखता है एक ही नज़र में बहुत सारे जो फ्लावर्स हैं जिनकी संख्या कितनी है, 10,000 के करीब जो वो फ्लावर्स हैं वो एक ही बार में वो देख लेता है। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंकलिंग डांस, तो वो क्या कर रहे हैं आपस में स्प्रिंग स्प्राइटली, यहाँ पर क्या बनेगा, फुल ऑफ लाइफ एनर्जी, और वो जो फ्लावर हैं पूरी एनर्जी के साथ पूरी खुशी के साथ आपस में ऐसे हवा में झूल रहे हैं और डांस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा थर्ड स्टेंजे के ऊपर जा रहे हैं हम। थर्ड सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, तो यहाँ पर क्या है, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, तो ऐसा लग रहा है द वेव्स बिसाइड देम डांस, ऐसा लग रहा है कि ये जो नदी की जो लहरें हैं वो भी उन फ्लावर के साथ क्या कर रही हैं, डांस कर रही हैं। बट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, यहाँ पर ग्ली का मीनिंग क्या आएगा, हैप्पीनेस, आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये जो वेव्स है, ये जो लहरें हैं नदी की, ये बहुत खुशी अनुभव कर रही हैं उन फ्लावर के साथ। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में, ए पॉइंट कुड नॉट बट बी गे, यहाँ पर गे का मीनिंग है हैप्पी, खुश होना, पॉइट कुड नॉट बट बी गे, बट ये जो पॉइट है वो भी बहुत उन फ्लावर्स को देखकर बहुत ही खुश हो रहा है। इन सच ए जॉन्क्ड कंपनी, किसकी कंपनी के साथ, चेयरफुल, जॉन्क्ड का मीनिंग आएगा चेयरफुल, खुशी के साथ, ये जो फ्लावर्स हैं, ये जो नदी है, जैसे खुश होकर ये सभी झूम रहे हैं, ये जो पॉइट है विलियम वर्ड्सवर्थ, वो भी उनकी कंपनी के साथ अपने आप को बहुत खुश महसूस कर रहा है। नेक्स्ट लाइन में देखिए, आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट, तो वो क्या हो रहा है, आई गेज्ड एंड गेज्ड, तो वो टकटकी लगाकर देखना, गेज क्या होता है, जैसे किसी को ध्यान से देखना, एकदम टकटकी लगाकर देखना, उसको हम बोल देते हैं गेज, आई गेज्ड एंड गेज्ड, तो जो जो पॉइंट है बहुत देर तक जो फ्लावर्स को, वो फ्लावर की जो ब्यूटी है उनको देखता रहता है। बट लिटिल थॉट, बट उसके दिमाग में क्या एक आइडिया आता है, वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, तो वो सोचता है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा था, मुझे जो ये जो एक ब्यूटीफुल फ्लावर्स जो हैं, नदियां हैं, तालाब हमें देखने के लिए, मुझे देखने के लिए मिले हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक एक इनाम है, मेरे लिए बहुत बड़ा क्या है, एक वेल्थ है मेरे लिए एक। ठीक है, तो जिससे उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, तो वो उसको जैसे नेचर को बोल रहा है कि वाट ए ब्यूटीफुल नेचर। ठीक है, तो वो नेचर को देख कर वो खुश हो रहा है। तो लास्ट स्टैंजे की तरफ आगे बढ़ते हैं। लास्ट स्टैंजे में देखिए, फॉर ऑफ्ट, यहाँ पर ऑफ्ट जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग है ऑफन, अक्सर। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माय कॉच आई लाई, द
तो वो बोल रहा है कि जब कभी भी मैं अपना जो काउच होता है, जो सोफ़ा होता है, उसके ऊपर मैं लेटता हूँ, तो फिर क्या होता है, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। वैकेंट होता है कि जब उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, खाली होता है, ठीक है। एंड पेंसिव का मीनिंग क्या आएगा, सैड, जब वो उदास होता है और जब उसके लिए सोचने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, तो तब अपने वो काउच के ऊपर लेटता है और क्या करता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज, तो वो जो डैफोडिल की जो ब्यूटी है उसकी आँखों में वो दिखाई देने उसको वो महसूस करना शुरू कर देता है, अपनी आँखें बंद करके वो डैफोडिल की ब्यूटी को वो महसूस करना शुरू कर देता है। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, यहाँ पर सॉलिट्यूड का मीनिंग क्या आएगा, बींग अलोन, ठीक है, अकेला होना। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ब्लिस का मीनिंग आएगा एक्सट्रीम हैप्पीनेस। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो अकेलेपन में उसको बहुत सारी खुशी देते हैं। लास्ट टू लाइन्स देखिए, एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, तो उसका जो दिल होता है वो क्या होता है, वो खुशी से एकदम से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसका दिल भी, उसकी जो सोल है वो भी डैफोडिल के साथ खुशी खुशी वो डांस कर रहे हैं और वो नेचर को इस तरह से इंजॉय कर रहा है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है आपकी द डैफोडिल, द गोल्डन डैफोडिल की, ठीक है। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में ये देखिए जो वर्ड मीनिंग है, ये वोकैबुलरी के वर्ड मीनिंग आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, बे का मीनिंग क्या होता है, पार्ट ऑफ ए सी, ठीक है, समुद्र का कुछ हिस्सा या ए लार्ज लेक या बहुत बड़ी नदी, ठीक है। ब्लिस क्या होता है, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी होना, ठीक है। गे का मीनिंग क्या आएगा, हैप्पी एंड फुल ऑफ फन, गे क्या होता है, खुश होना और पूरा इंजॉय करना। ग्ली का मीनिंग क्या आएगा, हैप्पीनेस या डिलाइट, खुश होना, ठीक है। होस्ट क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ समथिंग, बहुत बड़ी संख्या में कुछ मिलना, उसको हम होस्ट बोल देते हैं, ठीक है। जंक्ड क्या होता है, चेयरफुल, खुशी के साथ। ऑफ्ट का मीनिंग क्या आएगा, ऑफन, जिसका मीनिंग क्या होता है, अक्सर। पेंसिव देखिए, पेंसिव का मीनिंग क्या होता है, सैड होना या डिप्रेस्ड होना या वरीड होना, ठीक है, उदास हो जाना। स्प्राइटली का मीनिंग आएगा, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, पूरी एनर्जी के साथ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्प्राइटली, चमक के साथ। सॉलिट्यूड क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, जब इंसान अकेला होता है उसको हम सॉलिट्यूड बोल देते हैं। वैकेंट क्या होता है, एम्प्टी यानी कि खाली। वेल्स का मीनिंग क्या आएगा, वेल्स यानी वैलीज, खाड़ी जो होती है, देखा होगा आपने दो पहाड़ों के बीच में से रास्ता होता है या नदी होती है, उसको हम वैली बोलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हमारी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में इसके मैंने आंसर आपके लिए यहाँ पर नहीं लिखे है, ये इसकी एक्सरसाइज है, नीचे हम जाएंगे, नीचे आपको इसके आंसर हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए इसकी फर्स्ट, कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पर हमारे पास ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिल इसमें हम सूटेबल वर्ड क्या भरेंगे। फर्स्ट देखिए, वन डे वाइल वॉकिंग इन द कंट्री साइड द पोएट सा, जब वो पॉइट है, वो कंट्री साइड में घूम रहा होता है, उसको क्या दिखाई देता है, थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स, तो यहाँ पर हम ब्लैंक में भरेंगे थाउजेंड ऑफ डैफोडिल्स, ठीक है। सेकंड देखिए, द फ्लावर्स वर ग्रोविंग, जो फ्लावर है वो बड़े हो रहे हैं, बिसाइड द लेक एंड बिनर द ट्रीज, कहाँ पर बड़े हो रहे थे, बिसाइड द लेक, ठीक है, लेक के किनारे और पेड़ों के नीचे, ठीक है। थर्ड देखिए, द फ्लावर वर फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो फ्लावर्स क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ठीक है, आपस में जो है वो एक झूम रहे थे और डांस कर रहे थे। फोर्थ देखिए, द पॉइंट रिकॉल दिस साइट वेन ही इज इन ए पेंसिव मूड, द पॉइंट रिकॉल, ये जो पॉइंट होता है अपनी मेमोरी को दोबारा से रिकॉल करता है, दोबारा से अपने इमेजिनेशन में जाता है आंखें बंद कर, तो क्या जब वो कब करता है, जब वो उदास होता है, पेंसिव मूड में होता है। फिफ्थ देखिए, द पॉइंट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ टू ए लोनली क्लाउड दैट इज पासिंग ओवर हिल्स एंड वैली, द पॉइंट हैज कंपेयर्ड हिमसेल्फ, तो ये पॉइंट है किस अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहा है, लोनली क्लाउड के साथ, ठीक है, जो अकेले बादल हैं, बादलों की तरह वो घूम रहा था, तो लोनली क्लाउड्स आ गया। उसके बाद दैट इज़ पासिंग ओवर हिल, वो कहाँ कहाँ से जा रहे हैं, हिल्स और वैली, पहाड़ों और जो घाटियाँ हैं वहाँ से वो जा रहे हैं। ही हैज़ कंपेयर्ड द डैफोडिल टू द स्टार दैट शाइन इन द मिल्की वे, तो वो किस तरह से डैफोडिल को कंपेयर कर रहा है, तारों के साथ, जो आकाशगंगा में बहुत सारे तारे दिखाई दे रहे हैं, उसी तरह से डैफोडिल्स को भी वो उनके साथ कंपेयर कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए, राइमिंग स्कीम में क्या आएगा, राइमिंग स्कीम जैसे मैंने आपको बताया था,
कि जो हमारे पैराग्राफ के जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं उनको मैच करने वाले जितने वर्ड्स होते हैं उनको हम ए बी सी इस तरह से नंबरिंग देते हैं, ठीक है। तो अगर इसका आपको समझ में ना आए तो इसके लिए हम अलग से लेसन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए राइम स्कीम ऑफ द पोइम, यहाँ पर राइम स्कीम हमारी बनी हुई आंसर ए बी ए बी सी सी, ठीक है। तो ये इसकी राइमिंग स्कीम का राइट आंसर आएगा। ये कैसे बनी है ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन करवा दिया है फर्स्ट में, देखिए आगे। दूसरे में देखिए सर्कल द ओड वन आउट, ओड वन आउट इनमें से हमें वो वर्ड्स के ऊपर सर्कल डालना है जो एकदम से अलग दिखाई देते हैं, ठीक है। माइटली यहाँ पर नहीं आया तो माइटली को हमने सर्कल कर दिया, फोर एवर नहीं आया तो फोर एवर को सर्कल कर दिया, फ्लटरिंग आया है बट फ्लटरिंग स्पार्किंग एंड मिंगलिंग, स्पार्किंग भी सेम है मिंगलिंग भी सेम है, फ्लटरिंग अलग है तो फ्लटरिंग को हमने राउंड कर दिया। उसके बाद पेंसिव एक्सपेंसिव आया हुआ है बट अल्टरनेटिव नहीं आया हुआ इसलिए अल्टरनेटिव को हमने राउंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद वेल्थ भी आया हुआ है, स्टेल्थ भी आया हुआ है तो ब्रीथ नहीं आया हुआ तो इसके लिए हमने ब्रीथ को अंडरलाइन कर दिया, इसको राउंड कर दिया। इसमें से हमने वो वर्ड राउंड करने हैं जो थोड़े से अलग दिखाई दे रहे हैं या हमारी पोएम में नहीं आए हुए, ठीक है। तो ये इसके आंसर्स हैं। आगे देखिए फाइंड थ्री वर्ड्स इन द पोएम विद अ साइलेंट एच, टू विद अ साइलेंट जी एंड टू विद अ साइलेंट ए। ये पोर्शन हमने ये देखिए एलिटेशन क्या होती है। एलिटेशन इज द रिपीटेड यूज ऑफ द सेम साउंड एट द बिगनिंग ऑफ द वर्ड। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी हुई है द फ्लोट्स ऑन हायर वेल्स एंड हिल्स। यहाँ पर हाई एंड हिल्स, हाई और हिल्स में एच आई जो है वो सेम आ रहा है, ठीक है। ये जो वर्ड है वो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और शुरुआत में रिपीट हो रहे हैं इसलिए यहाँ पर एलिटेशन है। एलिटेशन में समझ में आ गया होगा कि जो वर्ड रिपीट हो रहे हैं हमारी एक ही लाइन में, सेम वर्ड रिपीट हो रहे हैं, सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम साउंड दे रहे हैं, तो उसको हम एलिटेशन बोल देंगे। यहाँ पर हाई में हमारा एच आई और हिल्स में भी एच आई, ये दोनों सेम है और हाई का साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारी इसको एलिटेशन कहा जाता है, ठीक है। एलिटेशन क्या होती है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है, ठीक है। तो सिमिलरली फाइंड टू मोर एग्जाम्पल ऑफ एलिटेशन द पोएम, तो हमारी पोएम में दो और एग्जाम्पल दी हुई हैं, कौन कौन सी। पहला देखिए व्हाट वेल्थ, यहाँ पर डब्ल्यू सेम आया हुआ है, बिकॉज द लेक बिनेथ द ट्री, यहाँ पर बिसाइड और बिनेथ, यहाँ पर बी जो है वो सेम आया हुआ है, ये दो लाइनें हमारी पोएम में आई हुई है एग्जाम्पल एलिटेशन की। उसके बाद देखिए मैच वर्ड में क्या आएगा, एग्जाम्पल ऑफ द स्माइली फ्रॉम द पोएम आई वंडर लोनली एज ए क्लाउड, तो यहाँ पर हमें मैच वर्ड करना है एज लाउड एज, तो एज लाउड एज किसके साथ आएगा, एज लाउड एज थंडर, बिजली है वही बहुत ज़्यादा लाउडली जो है वो गरजती है, तो यहाँ पर फर्स्ट वन थंडर आएगा। एज मैरी एज, एज मैरी एज, यहाँ पर देखिए एज मैरी एज किसके साथ मैच होगा, एज मैरी एज ए लार्क, लार्क के साथ मैच होगा, एज मैरी एज ए लार्क, ठीक है। थर्ड देखिए एज क्वाइट एज, थर्ड वन क्या है किसके साथ होगा, ए क्वाइट एज ए माउस के साथ, ठीक है, माउस के साथ मैच होगा। उसी तरह से आगे देखिए एज एजलेस एज, एज एजलेस एज ये किसके साथ होगा, किसकी एज नहीं होती, द सन, ठीक है, द सन जो है इसके साथ मैच होगा फोर्थ वाला। फिफ्थ वन देखिए एज अफ्रेड एज, एज अफ्रेड जो एज है किसके साथ होगा, ए ग्रास होपर के साथ, एज अफ्रेड एज ग्रास होपर। ऊपर देखिए एग्जाम्पल ऑफ ए सिमिली फ्रॉम द पोएम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, तो यहाँ पर ये सब सिमिली यूज की गई हैं। सिमिली क्या होती हैं, किसी एक पार्ट को लेकर किसी एक पार्ट का वर्ड के साथ उसको कंपेयर करना, उसको हम सिमिली बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखिए सिक्स्थ वन देखिए एज ब्लाइंड एज, एज ब्लाइंड एज सिक्स्थ आएगा ए बैट के साथ, ठीक है, एज ब्लाइंड एज ए बैट। तो ये इसके आंसर्स हैं, मैच वर्ड आपको अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेने, बाकी का जो पार्ट हम उसको छोड़ देंगे। बस मैच वर्ड हो गया आपका, उसके बाद एलिटेशन हो गया, एलिटेशन के बाद आपके ये सर्कल वर्ड हो गए और ब्लैंक्स हो गए, ठीक है। तो यही और वर्ड भी नहीं, तो ये आपको अपनी नोटबुक के ऊपर अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन लिख लेने हैं फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम।